हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। ये हम पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के जो हमारी हाइपरटेंशन दिया हुआ है उसको आज कवर करेंगे। तो इसमें हम पूरी कवर करेंगे डेफिनेशन क्या है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं, ठीक है, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या होती है, इससे पूरा कवर करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हाइपरटेंशन को जानने के लिए सबसे पहले तो हम इस हाइपरटेंशन जो हुआ हमारा वर्ड है इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो तोड़ने के लिए हम देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन जो वर्ड हमारा है दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है हाइपर, दूसरा होता है टेंशन। हाइपर से आप जानते हैं, हाइपर मींस होता है कि ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो बोलते हैं हाइपर, ठीक है। और टेंशन मतलब कि जो प्रेशर पड़ता है वो होता है टेंशन, ठीक, मतलब कि किसी जगह पे कोई ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर है, ठीक, किसी जगह पे, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। अब क्या है, हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक। हाइपर मींस हाई, टेंशन मींस प्रेशर, ठीक, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन को दूसरे वर्ड से जान सकते हैं हाई बीपी, जिसे हम बोलते हैं हाई बीपी, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। इट इज़ ए कॉमन कंडीशन इन विच लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज हाई इंक्रीजेस, ठीक है। मींस क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड होता है ये कैपिलरीज की वॉल पे जो एक फोर्स लगाता है, ठीक है, एक प्रेशर लगाता है, ठीक है, वो लंबे समय के लिए जब ज़्यादा रहता है फोर्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक। ये हमारा एक सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। और इसके नीचे हम अगर जो हम अच्छे से कोई अच्छी डिफिनेशन अगर जो हम डिफाइन करें इसको, तो क्या कह सकते हैं, एक कंडीशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं, हाइपरटेंशन कैन बी डिफाइंड एज ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेस बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो भी किसका, सिस्टमिक आर्टरी, जो आर्टरी जो हमारी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो नॉर्मल प्रेशर से इंक्रीज रहता है, इंक्रीज मतलब ज़्यादा रहता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक। अब देखते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला हमारा होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज इसेंशियल हाइपरटेंशन, इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, अबाउट 90% केसेस ऑफ हाइपरटेंशन ऑफ दिस टाइप, कह रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमन टाइप का ही हाइपरटेंशन होता है और लगभग 90% लोगों में, ठीक है, जितने भी हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स इंक्लूड्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्ट्रेस, बींग ओवरवेट, ईटिंग टू मच साल्ट एंड नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज, कह रहे हैं कि ये भाई इसके कुछ नॉर्मल रीजन्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए स्मोकिंग है, या फिर हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही वेट हमारा है, ओवरवेट है, ओबेज हैं, ठीक है, और हम ज़्यादा खाते हैं नमक का, ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है, और जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे जो हाइपरटेंशन होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक। अब हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इट इज़ ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस एंड सम ड्रग्स, मतलब कि कहते हैं कि कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से या तो कोई हाइपरटेंशन हो रहा है या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 10% ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाई दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, मीन्स 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके में इस टाइप का हाइपरटेंशन पाया जाता है, ठीक है। वेरियस कंडीशंस आर मेडिकेशंस आर लीड टू दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन लाइक, अब कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, मेडिकेशंस हो सकते हैं जिससे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे कि हमारी किडनी में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, एड्रेनल ग्लैंड में कोई डिजीज़ हो गई है तो हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, थायराइड की जो ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो हो सकता है, और अगर हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाए, मतलब कि पतली हो जाती हैं, सर्करी हो जाती हैं, तो भाई हमको हाइपरटेंशन हो सकता है। आप ये देखिए भाई, किडनी प्रॉब्लम होगी, अच्छे से यूरिन आउट नहीं करेगा, ठीक, पास आउट नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारे जो ब्लड होता है उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, जब सोडियम की मात्रा बढ़ेगी तो डिपोलराइजेशन होता है, इससे क्या होता है, हाई हार्ट रेट बढ़ती है और प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड है, यही सब इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इटियोलॉजी एंड कॉजेस, मतलब कि कैसे कौन से फैक्टर इससे हो रहा है, ठीक है, कॉज देखते हैं। तो नंबर वेक पे हमारा आता है स्मोकिंग, भाई स्मोकिंग करोगे तो हाइपरटेंशन होता है, डॉक्टर कहता है ना, मना करता है भाई स्मोकिंग ना किया करो, इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ठीक है, ये सब सारी हो सकती है स्मोकिंग से। ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, अगर भाई बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो भैया हमारे हाइपरटेंशन हो जाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हो, बस खाए हैं, पड़े हैं घर में, तो भैया खा खा के मोटे हो जाओगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है।
टू मच इनटेक ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा साल्ट खाओगे तो भैया क्या होगा, साल्ट में क्या होता है, NaCl, Na हमारा सोडियम होता है, ठीक है, तो सोडियम हमारा ब्लड में जाएगा, अब वहाँ पे हार्ट में जाएगा, हार्ट में क्या करेगा, तो वो डिपोलराइजेशन कास करेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, कंडक्शन जो हमारा प्रेशर होता है वो बढ़ेगा, ठीक है, इससे हमारा हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाई अल्कोहल कंज्यूम कंजप्शन, ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो भी हाइपरटेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस लोगे तो भी होगा भैया। अब ओल्ड एज हो, ओल्ड एज में क्या है भाई, जैसे ज़्यादा बड़े लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनको टेंशन ज़्यादा रहती है, ठीक है, और उनका जो हमारा जो बॉडी होती है वो भी प्रॉपर अच्छे से फिट नहीं होती है, ठीक, तो उनको होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जेनेटिक्स में क्या है, जैसे भाई जेनेटिक्स में क्या होता है, जैसे किसी के फादर या फिर ग्रैंड फादर इनके, या फिर किसी मदर या फिर ग्रैंड मदर में जो भी है हाइपरटेंशन होगा, तो जेनेटिक्स के थ्रू वो जो है बच्चों में भी आ जाता है, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है, जेनेटिक्स के थ्रू भी हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज एंड थायरॉयड डिसीज, अब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ भाई, किडनी जब हमारा स्क्रीट आउट नहीं कर पाएगी हमारा सोडियम वोडियम को, ठीक है, तो हो सकता है, एंड थायराइड में क्या है, थायराइड में भी हो सकता है, ठीक, डिसीज होगी थायराइड की तो अच्छे से हो सकता है। ये हमारी कुछ हो गई इटियोलॉजी। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि अगर जो हमारा हाइपरटेंशन है तो हम कैसे जानेंगे कि भैया हमारे हाइपरटेंशन है या फिर नहीं है, ठीक है, तो ये जानने के लिए क्या है, कोई नॉट नो स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब कि ऐसे कोई सिम्टम नहीं है कि जो डिफाइन करे कि हाँ ये हाइपरटेंशन ही है, ठीक है, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। इट इज़ आल्सो नोन ए साइलेंट किलर, इसका ये आप बहुत अच्छी ध्यान रखिएगा कि हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, मतलब कि आप जान नहीं पाओगे और धीरे धीरे आपके ये प्रोग्रेस करता जाएगा, ठीक है, और ये धीरे धीरे किल करता जाएगा, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाई बीपी कैन लीड टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, एज अगर जो लंबे समय के लिए हमारा हाई बीपी रहता है तो डिफरेंट टाइप की बीमारी हो सकती, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा चेस्ट पेन, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट में दर्द होगा, ठीक है, हमारे चेस्ट में दर्द होगी, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर कभी होती हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि सांस अच्छे से नहीं ले पाओगे, छोटी छोटी सांस लोगे, हफोगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि सांस बहुत तेज हो रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं हेडेक, हेड में दर्द होगा, नोजिया हो सकती है, ठीक है, इतने सारे ये सब सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, तो पैथोजेनेसिस क्या है कि हम नॉर्मल बीपी में, बीपी इज मेंटेन बाय फोर मैकेनिज्म। देखो अब ये सुनो कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत आती है बॉडी में तो बॉडी जो हमारी होती है वो उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म अपनाती है, ठीक है, तो उसी बोलते हैं कि नॉर्मल बीपी मेंटेन करने के लिए जो बॉडी होती है वो चार मैकेनिज्म अपनाती है, ठीक, तो वो कौन से चार मैकेनिज्म हैं, जिसमें देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़, मतलब कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होंगी जिससे कि हमारा नॉर्मल बीपी मेंटेन रहेगा। एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर इंडोथीलियम, जो हमारा कैपिलरीज हैं, जो हमारा आर्टरीज हैं, ठीक है, उनकी जो इंडोथीलियल वॉल होती है वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो कि अपना जो हमारा बीपी है नॉर्मल बीपी उसको सही रखेंगी। एक्टिविटीज़ ऑफ रीनल सिस्टम, मतलब कि रीनल सिस्टम का जो होगा, ठीक है, और हमारा होता है इंडोक्राइन सिस्टम, एक्टिविटीज़ ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, तो ये चार मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जो अपना है नॉर्मल बीपी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात, अब आप ज़्यादा थ्योरी मत समझिए, ठीक है, केवल समझने की कोशिश करिए, अपने अंदर आप अपने अंदर फील करिए, ठीक है, कि कैसे हो सकता है। सिंपल सी बात है, जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, तो भाई जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा कोई भी फैक्टर हो सकता है, हमने इतने सारे कॉजेज इटियोलॉजी पढ़ी है कि कोई भी फैक्टर हुआ, ठीक है, अब है हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो अब ऑर्टा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो रिसेप्टर जो है क्या करेंगे, वो मीज़र करेंगे कि हाँ भैया हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक, वो तुरंत एक्टिवेट करते हैं किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक, वो अब देखो हार्ट में जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, ठीक, ठीक, कंडक्टेंस डिक्रीज़ हुआ, इससे क्या होगा, ऑर्टा जो है, ऑर्टा में जो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो जाके किसको एक्टिवेट करेंगे, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक, दूसरा होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, पेरिफेरल में, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें क्या होता है कि ये बीपी को एलिवेट करेगा, वो भी कैसे एलिवेट करेगा, वो करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें बढ़ाएगा, ठीक, और उनको बढ़ा के क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा और कार्डियक कंडीशन कंडक्टेंस को भी वो भी बढ़ा देता है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वेसो कंस्ट्रिक्शन इन पेरीफेरल आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड प्रमोट्स रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी, और किडनी में जो हमारा रिलीज होगा रेनिन का वो भी ये बढ़ा देगा, ठीक है, अच्छे से। तो ये हमारा पहला वाला होगा, और क्या करेगा, और ये क्या करेगा, नेट इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन इज टू इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, ठीक है, और क्या इंक्रीज करेगा, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को, ठीक है, वो इससे क्या होगा, वो भी किससे करेगा, अब वो इस प्रेशर को इंक्रीज करेगा, वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाकर और सिंपैथेटिक वेस्कुलर जो रेसिस्टेंस है उसको बढ़ाकर, ठीक है। इसमें दिया हमारा है कि भाई बीपी को एक्टिवेट करेगा ये
कार्डियो आउटपुट को बढ़ाएगा एंड दूसरा क्या है हमारा सिस्टमिक वस्कुलर सिस्टम को बढ़ाएगा, ठीक है, इससे कि हमारा बीपी जो मेंटेन हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर इंडोथीलियम, अब इसमें क्या होता है, इट इज़ ए सिंगल लेयर डेड लाइंस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स में होती हैं सिंगल लाइंस, उनको बोलते हैं वस्कुलर इंडोथीलियम, ठीक है। इट प्रोड्यूस ए वैसो एक्टिव सब्सटेंस एंड बोथ फैक्टर्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा हो गया, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन वैसो कंस्ट्रिक्टर कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर लेवल, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा देगा, ठीक। एक्टिविटी ऑफ रीनल का देखिए, तो रीनल में क्या होता है, ये अब देखिए वहाँ पे हमने रीनल हमने सबसे पहले देखा कि वो रेनिन को लीज को बढ़ा देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो वो रेनिन क्या करता है, वो रेनिन जानते हो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 से वहाँ पे एक दूसरा एंजाइम हमारा होता है जो क्या करता है, ACE, ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिन 1 जो हमारा 2 होता है, ये जाके AT1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ठीक, वहाँ पे जाके एक्ट करेगा और वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये क्लासिकल एपिथेलियल इफेक्ट दिखाएगा और नॉन एपिथेलियल इफेक्ट दिखाएगा, ठीक। तो इसमें क्लासिकल में क्या होगा कि सोडियम आयन और H2O का रिटेंशन होगा, ठीक है, एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का ये लॉस करेगा, ठीक है, मतलब कि एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। और इधर क्या होगा, नॉन इपिथिलियल इफेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज कोलेजल सिंथेसिस, ठीक है, ये बढ़ा देगा, सिंथेसिस बढ़ा देगा एंड इंक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स, सोडियम को अंदर लेने जाएगा इन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है, जैसे कि हमारा है कॉन्स्ट्रिक्शन काज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स दी गई हैं, वो भी कहाँ कहाँ पे एक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा रेनिन इनहिबिटर्स होती हैं, वो यहाँ पे पहले हमारे जो हमारा पहला स्टेप होता है वहाँ पे वर्क करती हैं। ACE इनहिबिटर्स होती हैं, वो यहाँ पे एक्ट करती हैं। AT1 ब्लॉकर्स होती हैं, वो यहाँ पे एक्ट करती हैं। वो हमारा यहाँ पे होता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारे रहते हैं स्पायरोलैक्टिन वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पे एक्ट करती हैं। फिर नंबर 4 पे हमारी आती हैं एक्टिविटीज़ ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। व्हेन एंजियोटेंसिन 2 इज इंक्रीजेस इन एड्रेनल कॉर्टेक्स, इट विल सिक्रीट एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया एंजियोटेंसिन 2 जो होता है जब इंक्रीज करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करने लगेगा, ठीक। एल्डोस्टेरोन विल स्टिमुलेट द किडनी टू रिटेन सोडियम एंड H2O। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो जाके किडनी में स्टिमुलेट कर देगा और कहेगा भैया ऐसा करो कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर लो, ठीक है, जाने मत दो बाहर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जिससे कि हमारा बीपी बढ़ेगा, कार्डियो आउटपुट जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये हमारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई, ठीक। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन 4-5 ही हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, कुछ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। पहला हमारा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, मतलब कि भैया हम कोई दवा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बस हम लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक। इसमें हमारा सबसे पहले आता है डाइटरी चेंजेस, मतलब कि भाई जो डाइट है हमारी, जो पेशेंट की डाइट है, उसमें कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। उसमें चेंज क्या कर देंगे, जैसे कि एन इलेवेटेड बीपी कैन बी इफेक्टिवली लोवर्ड विद द हेल्दी डाइट, देयरफॉर डाइट लो इज सोडियम एंड साल्ट एंड हाई इन पोटेशियम इज रिकमेंडेड, मतलब कि कह रहे हैं ऐसी डाइट दे देंगे जिसके अंदर हमारा जो सोडियम और साल्ट का जो होगा अमाउंट जो होगा डाइट के अंदर वो कम होगा, ठीक है, और जो पोटेशियम का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसी डाइट हम उसको देंगे पेशेंट को, इससे क्या होगा, वेट रिडक्शन हो जाएगा, लिमिटेड अल्कोहल इंटेक करेंगे, ठीक है, वेट का। हाँ, अब दूसरे फैक्टर्स जो थे अफेक्ट करते थे, मतलब कि कॉज करते थे, उनको देखते हैं। तो उसमें क्या है, जब वेट बढ़ रहा था तो हमारा बीपी हो रहा था, ठीक है, हाई बीपी हो रहा था, तो अब क्या करेंगे, हम वेट को रिड्यूस करेंगे, ठीक, जिससे कि हमारा बीपी कम होगा। और अब अल्कोहल का इंटेक जो है वो भी कम करेंगे, जिससे कि हमारा बीपी कम हो जाएगा। रेगुलर कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे डेली की डेली, ठीक, तो हमारा बीपी कंट्रोल रहता है और स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे, जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्लास की ड्रग्स पढ़ते हैं जो कि हमारा एक्ट करती हैं इनटू द हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के अंदर, ठीक है। जिसमें हमारी पहले होती हैं डायुरेटिक्स, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, वेसोडायलेटर्स, ACE इनहिबिटर, AT रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अब ये क्या है, आप लोगों जो सोचेंगे भाई ये क्या हो गए, ठीक है, तो आप लोग कुछ जानिए, थोड़ा थोड़ा पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके अंदर देखें क्या होता है। डायबिटिक्स क्या है, डायबिटिक्स क्या होती हैं, ये ऐसी टाइप की ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं, ठीक है, जो हमारा यूरिनेशन प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देंगी, जिससे कि क्या होगा, हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का, ठीक है।
अल्फा ब्लॉकर्स क्या हैं? तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? अल्फा ब्लॉकर जो हमारा अल्फा वन रिसेप्टर होता है, ठीक है, उसको जाके ब्लॉक कर देती हैं, ठीक, जिससे क्या होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसको एक्टिवेट नहीं होने देंगी, ठीक है, में क्या होगा भाई एड्रेनालिन जो होता है वो एक्ट नहीं कर पाएगा, ये सब वगैरह जो होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर क्या होती है? बीटा क्या है? ये जाके बीटा को ब्लॉक कर देती हैं जिससे कि हमारा एक्ट नहीं हो पाता है। वैसोडाइलेटर क्या है? वैसोडाइलेटर ये होते हैं भैया जो वेसल्स के अंदर जाके वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, ठीक है, इस टाइप से जो उसको बोलते हैं वैसोडाइलेटर्स। फिर आते हैं एसी इनहिबिटर, अभी आपने ऊपर देखा था, एसी इनहिबिटर कहती हैं जो हमारी एंजियोटेंसन वन से एंजियोटेंसन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देती हैं, ठीक है, जो है एसी जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं। एटी रिसेप्टर ब्लॉकर जो एटी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, वहाँ पे हमने देखा था कैल्शियम चलो जो कैल्शियम चलो ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डायबिटिक्स या ऐसे एजेंट्स हैं जो कि क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देंगे, ठीक है, और रिड्यूस कर देंगे ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम के, जिससे कि हमारा बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर ड्रग्स क्या हैं? आप याद दो दो ड्रग याद कर लीजिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर हमारे ड्रग्स आते हैं फ्यूरोसेमाइड एंड थायाजाइड, ठीक, थायाजाइड है, फ्यूरोसेमाइड है, मैनिटॉल है, ठीक है, ये सारी कुछ ड्रग्स होती हैं, टोरासेमाइड है, ठीक, इसके अंदर ये ड्रग्स आ गई। फिर हम देखते हैं अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर क्या है भाई? वही है कि एजेंट जो होते हैं ये लोअर करते हैं बीपी को बाय मीटिंग द अल्फा रिसेप्टर, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब अल्फा रिसेप्टर क्या है, इसका मैटर समझिए कि अल्फा रिसेप्टर पे जाके कोई जब इसका पार्टिकुलर जो इसका एंजाइम हार्मोन जो काम करता है, सबसे ज्यादा वहाँ पे काम करेगा जब कोई हम एगोनिस्ट लेंगे, ठीक, उसका, तो वहाँ पे जाके वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कास करता है, ठीक। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन कास करेगा तो इससे क्या होगा कि बीपी हमारा बढ़ता है, ठीक। तो हम अल्फा ब्लॉकर जब दे देंगे तो जाके उस जो हमारा जो होता है हमारा रिसेप्टर है उसको जाके ब्लॉक कर देगा, इससे क्या होगा इसका कोई एगोनिस्ट नहीं यहाँ पे आके बाइंड कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन जो प्रोसेस होती है उसको नहीं दिखा पाएगा, ठीक, सिंपल सी बात, जिससे कि हमारा बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर से हम एग्जांपल देखते हैं तो इसमें होता है टेराजोसिन है, डोक्साजोसिन है, ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर में देखते हैं तो ये जाके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, वही सिंपैथेटिक देखो नर्वस सिस्टम का जो होता है इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ठीक। इसमें क्या है? मेटाप्रोलॉल और प्रोपेनोलॉल, ठीक है, ड्रग्स होती हैं मेटाप्रोलॉल प्रोपेनोलॉल, ठीक है, इस टाइप की ड्रग्स होती हैं। वैसोडाइलेटर में क्या है भैया? वही डाइट कर देगा, वैसलो स्मूथ मसल को डाइट कर देता है, ठीक है, एंड फिर फेसल जो हमारे रेसिस्टेंस होता है उसको डिक्रीज कर देता है। इसमें क्या होता है? मिनोक्सिड्रिल लेते हैं, ठीक है, एंड हमारा होता है क्या बोलते हैं हाइडालाजिन आती है, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक। फिर हमारा आता है एसी इनहिबिटर, तो वही जाके हमने बताया था कि एंजियोटेंसन वन को एंजियोटेंसन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ठीक है। इसमें आता है कैप्टोप्रिल है, इनालाप्रिल है, रेमिप्रिल है, ठीक है, यही ड्रग्स आती हैं। फिर एटी वन रिसेप्टर ब्लॉकर में क्या होता है कि ये वैसो प्रेशर एक्शन ऑफ एंटी एंजियोटेंसन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, बायोहोविक से एटी वन रिसेप्टर को ब्लॉक करने से, जैसे क्या होगा रिड्यूस बीपी हो जाएगा। इसमें होता है वालसार्टन, टेलमिसार्टन एंड लोसार्टन, ठीक है, ऐसी ड्रग्स इसमें आती हैं। और हमारा लास्ट में आता है एक हमारा जो कि हमारा छूट गया है, वो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हमारे कुछ ड्रग्स आती हैं, इसमें क्या है कि जो कैल्शियम चैनल जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होगा कि कैल्शियम चैनल जो कैल्शियम आयन होता है वो सेल के अंदर नहीं आ पाता है, और जब वो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो जो प्रेशर है जो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, इससे क्या होगा कि हमारा बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो कैल्शियम ब्लॉकर के अंदर हमारा जैसे ड्रग्स आती हैं, जैसे विरापामिल हो गई, ठीक है, निफेडिपिन हो गई, एमलोडिपिन हो गई, ये कुछ ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा हाइपरटेंशन खत्म हुआ, अब आगे के लेक्चर इसी तरह आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।